वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो गाइस हमारी गाड़ी को हो चुके 7 महीने और मुझे इस गाड़ी में बहुत नेगेटिव पॉइंट्स लगे, तो आज के वीडियो में मैं इसे बताने वाला। सबसे पहले मैं इसके फ्रंट से बात करूं तो ये हेडलैम्प्स के जो थ्रो था ना, जो पहले पुराने, वो मुझे एकदम बकवास लगा इस गाड़ी का। मतलब जो थ्रो इतना ज़्यादा तेज, आपने देखा होगा हमने ये इसका 100-120 वाला डलवाया था। फिर नीचे ये बम्पर में ये जो इधर जो फॉग लाइट, जो टॉप मॉडल आता है ना, वो इधर फॉग लाइट आता है इसमें। तो मान लो अभी मुझे इसमें फॉग लाइट इंस्टॉल करवाने हैं तो मैं इसे इंस्टॉल कैसे करूँ? मतलब मुझे पूरा बम्पर इसका चेंज करना पड़ेगा। मतलब ये मुझे बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा कि कंपनी ये इधर से दे देती, तो मतलब इधर प्लास्टिक पार्ट चेंज हो सकता था इधर से। आप स्विफ्ट में देखा होगा ये प्लास्टिक पार्ट चेंज होता था इस तरह से, तो वो मुझे बहुत नेगेटिव पॉइंट लगा इस बात का। मतलब पूरा बम्पर चेंज करना पड़ सकता है। फिर मैं उसके पीछे की ओर मैं बात करूँ इसका, तो इधर भाई जब भी यार 5 लोग के साथ ट्रिप करते हो ना, तो कैसा होता है पता है, डिक्की जो बार बार खोलनी होती है ना, जो ऐसे चाबी से खोलनी पड़ती है हमें। मतलब ये ऐसे चाबी से खोलनी पड़ती है, मतलब चाबी या इस रिक्वेस्ट सेंसर एक दे देते इधर तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। मुझे ये बहुत चीप लगता है कभी कभी तो इस गाड़ी में। फिर मैं इसके अंदर से बात करूँ तो अंदर से तो पीछे से तो मुझे ऐसा कुछ लगा नहीं, लेकिन एक बात बहुत अच्छी लगी, ये जो पीछे इन्होंने आर्मरेस्ट दे रखा है कंपनी वाला, ठीक है, मतलब ये पीछे आर्मरेस्ट दे रखा है, लेकिन आगे भी तो दे देते भाई, आगे क्यों नहीं दिया? मतलब ये तो ये कोई ओडी मर्सिडीज तो है नहीं, तो ये गाड़ी लेने वाला कोई ड्राइवर ही रखेगा। मतलब मिडिल क्लास फैमिली होगा यही वो गाड़ी लेगा, तो ये गाड़ी ली तो ली चलो, मतलब आर्मरेस्ट का आगे दे देते तो अच्छा रहता। मतलब मोस्ट ऑफ ये गाड़ी लेना वो तो खुद ही चलाते, कोई ड्राइवर रखता नहीं इस कंपनी में। फिर यार मैं साइड से इसकी बात करूँ ये बोतल होल्डर की, तो इसमें आप 750 ml की बोतल से ज़्यादा कुछ बड़ी बोतल नहीं रख सकते, क्योंकि ये यहाँ पे इसका अटकता है इसका, या इतना ही बोतल रख सकते हो, ज़्यादा इसकी बड़ी बोतल नहीं आ सकती, क्योंकि मुझे ये भी बहुत अच्छा नहीं लगा इस गाड़ी का। ये थोड़ा ऊपर होता ना तो और ज़्यादा अच्छा रहता। फिर मैं इसके आगे की ओर बात करूँ तो आ चुका हूँ गाड़ी के अंदर, और मैं अंदर से फ्रंट डोर के मैं नीचे से बाइट करूँ। इधर भी आप 750 ml की ज़्यादा बोतल नहीं रख सकते, क्योंकि ये भी इसमें अटकता है। फिर मैं इधर की बात करूँ, ये जो सामान रखने की जगह, ये इतने छोटा स्पेस है कि मोबाइल तो इसमें आप रख ही नहीं सकते। मतलब मोबाइल तो इसमें पूरा आता ही नहीं है, और खड़ा करके रखना पड़ता है इधर या इधर, कहीं भी खड़ा कर सकते हो मोबाइल। यहाँ भैया साइड पे जो स्पेस है ये यहाँ पर भी रख सकते हो। फिर मुझे एक बात और नेगेटिव लगी इसकी, गाड़ी की हेडलाइट्स चालू है, ठीक है, तो ये सब देखो इधर सब लाइट्स हो रही है जो एसी का है जो, लेकिन यहाँ भी जो स्टीयरिंग माउंटेड बटन का पता नहीं कैमरा कितना जस्टिस करवा, लेकिन यहाँ पे भी एक स्टीयरिंग माउंटेड बटन है, उसमें लाइट दे देती तो यार और भी अच्छा रहता है। ये इसका मुझे सबसे ज़्यादा नेगेटिव पॉइंट लगा कि रात को जब शायद मोड स्पेयर चेंज करने हो तो हमें देखना पड़ता है कौन सा बटन दबा रहे हैं इसे। मान लो हम रात को गई गाड़ी लेके जा रहे हो और हमको पावर विंडो का ये विंडो खोलनी है, तो मेरा आज मोस्ट ऑफ यहाँ पीछे की पावर विंडो भी चला जाता है। देखो ये पीछे की, ये इधर गाड़ी चला रहे हो तो ये पीछे के मोस्ट ऑफ मेरा हाथ पीछे ही चला, ये पीछे के पावर विंडो बार बार खुल जाता है, लेकिन ये मुझे बहुत चीप लगे। यहाँ पे थोड़ी एक ये चार पावर विंडो में लाइटिंग दे देते तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता, क्योंकि रात को अंधेरे में पता नहीं चलता इतना कि कौन सा बटन हम दबा रहे हैं। इसलिए मैं इसकी म्यूजिक सिस्टम की बात करूँ तो यार इसमें इतना बंदा है, जो नई गाड़ी जो तब आती थी 2016 में तो 7.5-8 लाख रुपये की आती थी, तो इसमें यार एक जो यूएसबी का ऑप्शन तो है, ब्लूटूथ का एक ऑप्शन दे देती तो और भी अच्छा रहता, और थोड़ी अच्छी क्वालिटी का ये लगाते हैं जो म्यूजिक सिस्टम तो और भी अच्छा रहता, क्योंकि ये चीप लगता है यार। इतनी महंगी आप 7-8 लाख रुपए की गाड़ी लेके घूम रहे हो और ये इतने छोटी सी चीज़ आपको, मतलब चीप लगता है ऐसा, अच्छा नहीं लगता है। ऐसा नहीं है कि मुझे इस गाड़ी में सिर्फ बुराइयाँ दिख रही है, इस गाड़ी में की बहुत अच्छाइयाँ भी है, लेकिन मैं अपने नज़रिए की बात कर रहा था, लेकिन सबका पॉइंट ऑफ व्यू अलग अलग होता है। अच्छाई भी बहुत है इस गाड़ी में, तो अच्छाई बता दो, ये माइलेज बहुत अच्छा निकाल लेती है, छोटे मोटे गड्ढों में फील भी नहीं होता, गाड़ी निकल जाती है। फिर ये गियर भी इसके, मतलब हुंडई पहले हमारे पास हुंडई थी उसके मुकाबले में ये इतने थोड़ा हार्ड है, लेकिन गियर शिफ्टिंग की काफ़ी अच्छी है। फिर ये माइलेज की, इसका एसी भी बहुत पावरफुल है, इतना पावरफुल एसी इसका कि भाई एक पे आप धूप ज़्यादा ना हो, क्योंकि धूप 45-50 डिग्री रहती है तो दो पे चलाना पड़ता है, तो धूप ज़्यादा ना हो सुबह के टाइम में आप निकलो तो एक पे भी एसी और 5 लोग भी आराम बैठे हो अंदर तो भी इतना चिल्ड मारता है इसका एसी। सबसे पहले मुझे इसकी सबसे अच्छी बात यही लगी कि यार ये इसका एसी बहुत बढ़िया है यार। हमारे पास जो हुंडई थी ना, इसका एसी इतना पावरफुल नहीं था, मतलब तीन पे तो रखना ही पड़ता था, 5 लोग बैठे हो ना बहुत ज़्यादा धूप हो तो, ठीक है। आखिर में बात करूँ तो इसके फीचर्स की, तो इसमें इस गाड़ी में कुछ ज़्यादा कुछ फीचर्स हैं, सिर्फ पावर विंडो ये जो अंदर से कंट्रोल कर सकते हो ORVM,
और ज़्यादा कोई ऐसी ये तो होता ही है, मिनिमम बेस मॉडल हो, ये मैं शॉर्ट में ये बेस मॉडल ही है गाड़ी का, भले ही गाड़ी नाम अलग, होंडा नाम अलग दिया है एस मॉडल, लेकिन ये बेस मॉडल ही लगता है। ठीक है, तो फिर मैं इसकी, मुझे इसका फीचर के बारे में मुझे इसका कुछ लगा नहीं कि कम है, क्योंकि इसके पहले हमारे पास हुंडई थी, इसमें इससे भी कम फीचर्स थे। तो मुझे इतना पता है कि आप जितने ज़्यादा पैसे खर्च करोगे उतना आपको ज़्यादा फीचर्स मिलेंगे। ठीक है, तो पैसे जो मैंने पैसे खर्चे इस गाड़ी को ख़रीदने में, उस हिसाब से जो इसका फीचर है वो मुझे बहुत अच्छे लगे। गाइस, आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन पीस।